क्रिकेट। ये आज का कवर कवर शॉट खेला है, सॉरी लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, एम्पायर का इशारा आना बाकी और चरण। तो बढ़िया स्वागत यहां पे संजय पाल का सचिन के द्वारा, पटकी हुई गेंद थी और संजय पाल तैयार है एक बार फिर से दूर वाले छोर से हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए। ये बढ़िया शॉट, एक रन मिलेगा, कवर पे गेंद गई है और यही एक बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है, अगर पहला शॉट बड़ा मिला है तो आप अगला सिंगल लें। लेकिन अभी तक 7 रन खर्च कर चुके, फिर से पटकी हुई इस बार सीधा मारा है और खिलाड़ी बॉल के पीछे एक रन दौड़ के पूरा किया। दूसरे के लिए जाएंगे, रन आउट का चांस वहां पर जरूर है लेकिन सुरक्षित क्रीज पर 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन न लाएं बिना किसी नुकसान के अभी पहला ओवर प्रगति पर। इस बार ये बढ़िया गेंदबाजी है, पढ़ने के बाद नीचे रख रहे हैं, थोड़ा सा टप्पा खिलाते हैं तो फिर खामियाजा भुगतना होगा। बढ़िया गेंदबाजी वैसे पटोटिया के पास, अमित जसवाल विकेट कीपर, संजय पाल चले दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, फिर से ऊंचा खेलने की जरूर कोशिश की थी वहां पे, रन के लिए कॉल की थी जितेंद्र ने लेकिन मना किया सचिन ने, रुका हुआ स्कोर 9 रन पहला ओवर प्रगति पर। स्ट्रेट जो हमारी बाउंड्री है 65 मीटर की और ये वाइड बॉल का इशारा, पहला अतिरिक्त जुड़ता हुआ नलाई के खाते में और लॉन्ग ऑन के ऊपर 72 मीटर की बाउंड्री है लॉन्ग, तो सबसे बड़ी बाउंड्री हमारी उधर है। इस बार बट की गेंद मिड विकेट के ऊपर मारा है और चार उछलता हुआ स्कोर 16 रन एक ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के नलाई नल पहला और टीम का दूसरा ओवर है। तो राइट आर्म ओवर विकेट आएंगे, ये थोड़ी सी नीचे गेंद रही थी लेकिन बढ़िया शॉट वहां पर बल्लेबाज के द्वारा, एक रन दौड़ के पूरा किया और एक रन से संतुष्ट, मिड विकेट पर शॉट खेला था, बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन देखने को मिली है। सेमीफाइनल फाइनल तक अपनी टीम को लेके आए हैं इस बार पटोटिया, इस बार थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ शॉट खेला है, एक रन दौड़ के पूरा किया और एम्पायर का इशारा 4 रन। तो उछलता हुआ स्कोर अब 21 रन, अभी दूसरा ओवर प्रगति पर है। सुनील चले छोर बदलते हुए राउंड द विकेट, फिर टॉस बॉल इस बाहर, थोड़ी सी धीमी गेंद थी और ये सोजून बड़ी गेंदबाजी कह सकते हैं, फुल टॉस जरूर थी, आगे थोड़ी सी नीचे रखी दी गेंद और एक रन जरूर मिलेगा जितेंद्र को एक रन की मदद से, बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। सुनील चले दूर वाले छोर से राइट आर्म राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए सचिन और इस बाहर ऊंचा मारने की कोशिश की थी लेकिन कहीं गेंद और कहीं बल्ला, तो पहुंच से गेंद दूर, तो ये बढ़िया गेंद बढ़िया वापसी है अभी तक सुनील की पटोटिया के लिए। सुनील राउंड द स्टंप दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर शॉट है, एक रन के लिए जाएंगे और एम्पायर का इशारा 4 रन। तो बढ़िया निर्णय अभी तक और खड़े उतरते हुए दोनों बल्लेबाज, और ये कवर में शॉट खेला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की ओर, एक रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 27 रन बिना किसी नुकसान के नलाई। पंकज चले दूर वाले छोर से दाहिने हाथ के ओवर द विकेट, ये बढ़िया गेंद है, पढ़ने के बाद नीचे रहे थे पढ़ नहीं पाए थे सचिन, बीट हुए और ये बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया पहली गेंद से बढ़िया शुरुआत पंकज के द्वारा। पंकज फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार सीधा मारा है लंबा शॉट और चार। दूसरा छक्का इस मैच में सचिन के बल्ले से, पटकी गेंद इस बार फाइनल के ऊपर है और चार। तो अब आप खुश हो यहाँ पे सचिन, मुश्किलें बढ़ती हुई मेरे ख्याल से हेड बॉल होनी चाहिए, अगर सिक्स मारते हैं तो ये वाइड बॉल है, अगर सिक्स मारते हैं तो 100 रुपए के हकदार होंगे समिति की तरफ से हेड ट्रिक पे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सचिन के लिए, ये लॉन्ग ऑन के ऊपर बड़ा शॉट है
और बाउंड लाइन के बाहर है 6 रन, तो 100 रन की अवधार समिति की तरफ से, क्योंकि लगातार 3 छक्के सचिन के बल्ले से और थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती थी पटोटिया की। सचिन को पवेलियन भेजना होगा, आउट करना होगा को। तो पंकज चले दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, ये फिर से फुल टॉस, गेंद की लगी स्टंप पे और फाइनल लेग की तरफ खेला, 1 रन मिलेगा और काफी महंगे साबित होते हुए अभी तक पटोटिया के लिए। पंकज पंकज एक बार फिर से दूर वाले छोर से हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से फुल टॉस, लेग स्टंप के बाहर लेकिन और वाइड बॉल का इशारा, ये खराब गेंदबाजी पंकज के द्वारा अभी तक। फिर से सामने जितेंद्र दाहिने हाथ के बल्लेबाज, ये बड़ा मारा है विकेट के ऊपर है और 6 रन। तो जैसे मैं पहले कह रहा था मुश्किलें बढ़ती हुई पटोटिया की, बहुत ज्यादा रन खर्च कर रहे हैं गेंदबाज, तो थोड़ा रनों पर अंकुश लगाना होगा, नलाई को रोकना है तो, और एक आध विकेट की दरकार। ये लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट है और ये वाइड बॉल का इशारा, बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। अभी चौथी ओवर की पहली गेंद आनी बाकी, विकेटों की दरकार पटोटिया को, लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप आएंगे, 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को और 56 रन, इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। यहाँ पे बढ़िया स्टार्ट दिया है नलाई की टीम ने अपने मिडिल स्टंप के बल्लेबाजों को, इस बार मिडिल विकेट के ऊपर ऊंचा शॉट है, 1 रन दौड़ के पूरा किया। अब यहाँ से इसको तोड़ने की जरूरत पटोटिया को, लेकिन अभी तक ये गेंदबाजी पड़ने के बाद नीचे रही थी और जो विकेट की आवश्यकता थी यहाँ पे वही काम किया दीपांशु ने अपनी टीम के लिए, बोल्ड आउट किया यहाँ पे, मिडिल स्टंप को बाहर फेंका ऑफ स्टंप को, टीम को दीपांशु चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये सीधा मारा है, ऊंचा मारा है और देखना जब तक गेंद फील्ड हो, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद है तो एम्पायर का इशारा होना अभी बाकी, 6 रन। पांचू थोड़ा सा शरीर से दूर गेंद करानी होगी, क्योंकि अगर शरीर पे गेंद कराते हैं बल्ला देख रहा भी है आउट करा दिए गए, और मैं बल्लेबाज को बताना चाहता हूं कि अंपायर राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद नीचे रही थी और ये बढ़िया गेंदबाजी है, सबसे किफायती गेंदबाज पटोटिया के लिए, तो तारीफ के हकदार है दीपांशु, दो झटके दिए हैं नलाई को, सचिन को आउट किया, मनोज को आउट किया, 4 ओवर की समाप्ति पर अंपायर को क्रॉस करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, ऊंचा शॉट मारा है और बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। तो ये बढ़िया बल्लेबाजी है जितेंद्र के द्वारा अपनी टीम के लिए अभी तक, बड़े लक्ष्य की तरफ अभी जब तक जितेंद्र मैदान पे हैं, और ये मिड विकेट के ऊपर है और ये बाउंड्री लाइन के बाहर है, 6 रन। टप्पा खिलाएंगे तो 6 खाएंगे और जितेंद्र अगर 6 मारते हैं तो 100 रुपए के हकदार होंगे, हैट्रिक बॉल है उनके लिए। एक बार फिर चले राइट आर्म ओवर द विकेट, ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट खेला है, एक के लिए दौड़ेंगे और दूसरे की मांग है, दोनों बल्लेबाजों के 2 रन आसानी से दौड़ के पूरे किए, ये खराब थ्रो पटोटिया के क्षेत्र रक्षक के द्वारा, थोड़ा सा दीपांशु का किसी गेंदबाज ने साथ नहीं दिया है वरना मजबूत स्थिति में थी पटोटिया। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के फुल टॉस, लॉन्ग आर्म के ऊपर शॉट है और सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। मयंक राइट आर्म ओवर द विकेट फिर से और ये लॉन्ग आर्म के ऊपर शॉट खेला है, ये भी 6 रन के लिए गेंद जा रही है और ये तूफानी बल्लेबाजी है और खराब गेंदबाजी पटोटिया के गेंदबाज मयंक के द्वारा। अगर आप इतने ज्यादा रन खर्च करेंगे तो बल्लेबाज कैसे आपको मैच में वापसी कराएंगे। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही करारा प्रहार और टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सिक्स, तो ये 150 मीटर का छक्का लगभग
जितेंद्र के बल्ले से दीपांशु एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक खराब गेंद है उनकी। पहला ओवर बहुत ही अच्छा ओवर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम के लिए उन्होंने की थी। ये दिशाएं गेंदबाजी 94 रन अतिरिक्त की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर और बॉल आउट किया है वो बल्लेबाज को। नलाई को लौटने वाला तीसरा झटका। तो जैसे मैं बता ही रहा था सबसे किफायती गेंदबाज है पटुटिया के लिए और अपना कार्य करते हुए दीपांशु तीन पैतर पैदल संदा पैतर फिर बोल दे यार बोलो मी हेलो हेलो। और इस बार फिर से बड़ा शॉट जितेंद्र के बल्ले से और ये 6 रन के लिए। तो तूफानी बल्लेबाजी जितेंद्र के द्वारा और इस ओवर में एक विकेट जरूर लिया है दीपांशु ने, लेकिन दो छक्के जरूर खाए हैं बैक टू बैक। और इस बार पटकी हुई गेंद पड़ने के बाद तो तूफानी बल्लेबाज जितेंद्र के द्वारा आगे निकल के खेला थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ और एक रन मिलेगा। 25 रन अपने ओवर में खर्च किए गेंदबाज ने
तो काफी खर्चीले गेंदबाज पटोटिया के अभी तक। नब्बे पे बल्लेबाजी करते हुए जितेंद्र और एक रन दूसरे के मार रन आउट का खतरा और दो रन आसानी से पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने, तो बढ़ता हुआ स्कोर 150 रन। नौ ओवर प्रगति पे है और फिर से मिड विकेट के ऊपर है और 6 रन। अथान में भी बल्लेबाजी कर रहे जितेंद्र, अगर दो रन और मारते हैं तो अपना शतक पूरा करेंगे, टूर्नामेंट में दूसरा शतक। अमित चले दूर वाले छोर से और ये लॉन्ग ऑन के ऊपर बहुत ऊंचा शॉट और 6 रन। सेंचुरी पूरी यहां पर जितेंद्र की, बढ़ता हुआ स्कोर 162 रन। नलाई अभी 9 ओवर प्रगति पर। अमित एक बार फिर से डाउन द विकेट, इस बार फिर से रोड और लंबा शॉट और 6 रन और इस मैदान पे लगने वाला है इसका का सबसे बड़ा सिक्स। ये हमारा होम ग्राउंड है, हम डेली क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, लेकिन इतना बड़ा सिक्स पहली बार देखने को मिला है इस ग्राउंड पे। एक बार फिर से फुल टॉस नो बॉल का इशारा और ये फ्री। तो खतरनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन जितेंद्र के द्वारा। अमित चले दूर वाले छोर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और ये फिर से ऊंचा मारे है, फिर एक का फाउल और 6 रन। तो काफी खतरनाक बल्लेबाजी निलाई और मुश्किलें बढ़ती हुई अब बड़े बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर। 176 रन इस बार पीछे गेंदबाज और एक रन जरूर दौड़ के पूरा किया, इसी एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 177 रन। 9 ओवर की समाप्ति पर निलाई और ये बड़ा मारने की जरूर कोशिश की है, एक रन मिलेगा और स्ट्राइक लेंगे जितेंद्र क्योंकि बड़े खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं निलाई के लिए। अभी तक जा रही है आगे निकल कर सीधा 12 है और 6 रन। तो ये 184 रन बढ़ता हुआ स्कोर नलाई, इसके पलड़े में मैच जाएगा क्योंकि बल्लेबाजी करनी बाकी है अभी पटोटिया को। तो संजय पाल चले दूर वाले छोर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, फिर से ऊंचा शॉट है और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 188 रन। आखिरी ओवर प्रगति पे अभी जितेंद्र क्रीज पर, स्कोरिंग बुक है वो छोटी पड़ चुकी है, बहुत ज्यादा रन खर्च कर चुके हैं यहाँ पे पटोटिया की टीम। एक 194 रन और यहां लंबा चलता है, पूरा मनोरंजन करती है यहाँ पे एनालाइज की टीम और 200 रन पर। तो इस टूर्नामेंट में पहली बार 200 रन बने, 143 बल्लेबाजी कर रहे हैं, नो बॉल का इशारा है, 201 रन बढ़ता हुआ स्कोर नलाई। संजय पाल एक बार फिर ओवर द विकेट और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद जा रही है, बॉल के बीच और बाउंड्री लाइन के बाहर 206 रनों की दरबारी में जीतने के लिए पटोटिया को 10 ओवर में 60 गेंदें 206 रन।